खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 22 जून 2021, ये तस्वीरें मेरठ के बेगमपुर चौराहे की हैं, जहां मेरठ पुलिस जो अपनी ड्यूटी से हटकर भूखों को खाना दे रही है, उसी मेरठ पुलिस कर्मियों को आज खानाबदोशों के डंडा और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। मेरठ बेगमपुर चौराहे के बीच यहां कुछ खानाबदोश अपना बसेरा बनाए हुए हैं। ये लोग दिन में ही शराब पीकर एक दूसरे से लड़ाई गाली गलौज करते हैं। आज जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो वहीं ये फुटपाथ पर रह रहे खानाबदोश शराब पीकर आपस में लड़ने लगे। पुलिसकर्मी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो इन्होंने पत्थर और डंडों से पुलिस पर ही हमला कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह एक महिला पुलिसकर्मी पर पत्थर फेंक रही है, तो वहीं खानाबदोश युवक पुलिसकर्मी पर हमला कर रहा है। आपको बता दें, ये खानाबदोश जो यहाँ फुटपाथ पर रह रहे हैं, ये भी नहीं पता ये कहाँ के हैं, न कोई पता, न कोई ठिकाना, न कोई आईडी प्रूफ, बस ऐसे ही फुटपाथ पर कब्जा कर यहाँ रहने लगे। दिन में शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करना इनका रोज का काम है। बेगमपुर पुलिस चौकी के ठीक सामने का ये मामला है, जहाँ पुलिसकर्मी उन्हीं लोगों ने पत्थर और डंडों से हमला कर दिया पुलिस पर, जिन्होंने पूरे कोविड काल में सुबह शाम इनको खाना देते हुए इनकी मदद की। उस मदद और दया के जवाब में जबरन फुटपाथ पर बसे इन खानाबदोशों ने खुलेआम पुलिसकर्मी पर डंडे और पत्थरों से वार किया। तस्वीर में आप साफ देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोग जिनकी कोई पहचान नहीं है, कोई पता ठिकाना नहीं है, ये कहाँ के रहने वाले हैं और इस तरह चौराहे पर फुटपाथ पर रह रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव न्यूज़ नवीद खान की रिपोर्ट। ये दारू पी करके गाली गलौज पकड़े थे, फिर हमने इनको हटाया लेकिन हटे नहीं, फिर ये आपस में डंडा मार करने लगे। हमने छुड़ाने की कोशिश की तो ये हमसे निपट गए। ट्रैफिक को भी बात कर दी इन्होंने। आपके ट्रैक वगैरह तोड़ी है? हाँ, ये सिस्टम एक मिनट में डाला है। तोड़ दिया